मैं एक गुंडा कातिल जेल से भागा हुआ मुजरिम माधुरी किसका डेब्यू कर रहे हैं सुभाष घाई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियो में। बिजली बिजली और मंगता है क्या जैसे सॉन्ग्स को सुपर हिट करने के बाद अब एक्ट्रेस पलक तिवारी लेने जा रही है बॉलीवुड में एंट्री, और उनकी एंट्री कराने में उनका साथ देने वाले हैं डायरेक्टर सुभाष घाई। खलनायक 2 के साथ डायरेक्टर सुभाष घाई आ रहे हैं बॉलीवुड के दीवानों को एक सुपर हिट मूवी देने, जिसमें हमें पलक का डेब्यू भी देखने को मिल सकता है। अब इस बात पर लोगों का ये कहना है कि क्या खलनायक में जिस रोल में माधुरी दिखी थी उसी रोल में पलक देखी जाएंगी? तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं होने वाला है। पलक मूवी के लीड रोल में नहीं बल्कि साइड रोल में दिखने वाली हैं, लेकिन ये भी उनके लिए काफी बड़ा अचीवमेंट है और उनके फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड भी हैं। और जहां तक रही माधुरी की रोल की बात, तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि माधुरी की जगह हमें खलनायक 2 में देखने को मिल सकती है कियारा आडवाणी। अब वैसे तो ये भी हो सकता है कि दोनों के रोल और मूवी की स्टोरी लाइन में डिफरेंस हो, लेकिन अब होगा जो भी वो मूवी के रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो चलते चलते आपको ये भी बता दे कि आखिर क्यों माधुरी नहीं है इस मूवी का हिस्सा। वो काफी बिजी हैं, जिसके चलते चलते उनका स्केड्यूल काफी टाइट है और शायद यही रीजन है कि वो इस सीक्वल का पार्ट नहीं है। ऑल्दो ऐसा माना जा रहा है कि शायद किसी आइटम सॉन्ग में माधुरी हमें ठुमका लगाती हुई नजर आ सकती है, लेकिन इस बात की अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं दी गई है। साथ ही साथ अभी हमें और भी कास्ट मेंबर्स के नाम पता चलने बाकी हैं, ताकि हम ये जान सके कि सुभाष घई की इस अपकमिंग मूवी में आखिर कौन कौन से सितारे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं खलनायक 2 के बारे में? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।